गाइस, आप सब लोग कैसे हैं? होप बढ़िया होंगे। मैं लाइव के सामने कैंपस का रेम शूज आज बताऊंगा इसकी पूरी डिटेल में और करते हैं इसका अनबॉक्सिंग। लेकिन उससे आप सभी को पता है मैं थोड़ा सा भी कंटेंट आपको पसंद है तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो सबसे आपको मिलती है। तो पहले चलते हैं शूज़ के बॉक्स के ऊपर। तो बॉक्स इसका कुछ नहीं, नॉर्मल यूज़ किया गया, गो क्रेजी लिखा है एंड साइड में आप आर्टिकल नंबर देख सकते हैं, प्राइस देखते हैं, प्राइस के बाद डिटेल बाद में बात करेंगे। तो पहले तो शूज़ को निकालते हैं बाहर और देखते हैं शूज़ के अंदर बॉक्स में क्या है। नॉर्मल कैरी बैग होता है एंड शूज़ के आउटडोर डिज़ाइन के बारे में बात कर लेते हैं। तो आउटडोर डिज़ाइन की बात की जाए तो उसमें छोटे छोटे डॉट एंड लाइनिंग पैटर्न यूज़ किए गए हैं जो आपको दिखने में एकदम बढ़िया एंड नॉर्मल तरीके से इसे बहुत बढ़िया लगते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं शूज़ का कलर। तो कलर काफ़ी बढ़िया है, आप देख सकते हैं इसके कलर की जो फिनिशिंग है वो मुझे काफ़ी बढ़िया लगी है। छोटे छोटे डॉट यूज़ किए हैं, लाइनिंग पैटर्न यूज़ किए, ऊपर छोटा कैंपस का लोगो है, टर्न करके दिखाऊं तो पीछे एक और लोगो है जो आपको देखने में बढ़िया लगता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं शूज़ की लेसेस का। तो लेसेस इसकी काफ़ी बेस्ट है, आपको देखने में छोटी छोटी बढ़िया लगेगी, इस ऊपर मैच भी करती है। एंड नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं शूज के फिनिशिंग वगैरह। तो फिनिशिंग इसकी काफ़ी बढ़िया है एंड आपको देखने में काफ़ी बढ़िया लगेगी। एंड मटेरियल इसका बात की तो मटेरियल भी काफ़ी बढ़िया है, शूज किया गया क्वालिटी यूज़ की गई मटेरियल की, आप इसको फुल डिटेल देख सकते हैं। मैं इसको रिमूव करके दिखाता हूँ और मतलब बताता हूँ इसकी क्वालिटी कैसी है। एंड आउट ऑफ डिज़ाइन यूज़ करके इसके मटेरियल काफ़ी बढ़िया एंड तरीके से यूज़ किया गया। एंड नेक्स्ट पॉइंट है शूज़ की फोल्डिंग वगैरह। तो फोल्डिंग आपको स्पंजिंग दिख रही है, इसके जो पैटर्न में मतलब लाइन्स हो रही हैं लेकिन इतनी बढ़िया सॉफ्टनेस है ताकि आपको फोल्डिंग के दौरान आपको कोई भी इशू प्रॉब्लम नहीं होती, देखने को नहीं मिलती। मुझे ये शूज़ काफ़ी बढ़िया लगा है, आपको कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को देखा थोड़ा बहुत पता आपको चलता ही होगा, आप देख सकते हैं इसको पूरा फोल्डिंग करके देखता हूँ मैं। पीछे से तो हार्ड होते हैं लेकिन आगे से आपको रनिंग के दौरान इसमें कोई भी इशू नहीं है। एंड नेक्स्ट पॉइंट शूज़ की बात कर लेते हैं इसकी इनसोल के बारे में। एंड इनसोल की बात कीजिए तो इसमें नॉर्मल तो नहीं लेकिन नेमोरिटी सपना से जो आपको पैर में कम्फर्ट बना रहता है एकदम नॉर्मल तरीके से नहीं बढ़िया शूज़ किया। एंड पीछे की बात करें तो पीछे के इस तरह में एकदम सपना से ताकि क्या आपको पैर में कंफर्ट बना रहेगा, चुपने का चांस बिल्कुल ना रहे। एंड पीछे का और लोगो बनाया गया है एंड छोटे से छोटे डॉट यूज़ किए गए आपको दिख रहे होंगे। एंड नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं शूज़ के साइड सोल का। तो आपको देखने में काफ़ी स्टाइलिंग बढ़िया लग रहा होगा, आप देख ही सकते हैं शूज़ की डिज़ाइन आपको पैटर्न साइड सोल में वही सोल यूज़ किए गए जो फर्स्ट में आपको मैंने बताया था कैंपस का एक शूज़ था उसी तरह का इसका सोल यूज़ किया गया है। ऊपर का कैटेगरी चेंज है लेकिन नीचे वाला सेम है एंड गो क्रेज वगैरह ये सब सेम है, आप देख सकते हैं। पीछे का बैग बात कर लेते हैं अब इसकी, तो आपको बैग देखने को मिलता है डॉट यूज़ किए गए हैं एंड पकड़ने के लिए आपको आसानी से पहनने के लिए एक विशेष से ग्रिप भी दिया गया है। एंड नेक्स्ट पॉइंट शूज़ की बात कर लेते हैं इसकी डिज़ाइन की, पैटर्न जो लाइनिंग्स वगैरह हैं वो लुकिंग वगैरह हैं वो काफ़ी बढ़िया देखने को मिलती हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट शूज़ की कर लेते हैं मतलब पीछे की बैक सोल की। तो बैक सोल की बात की जाए तो उसका मटेरियल काफ़ी बढ़िया है एंड ईवा सोल यूज़ किया गया है एंड नीचे की और टिपिया सोल भी यूज़ किया गया है। सॉफ्टनेस का आपके बताऊँ तो मैं स्पंज करके आपको देख सकते हैं इसकी सॉफ्टनेस काफ़ी बढ़िया है मटेरियल की जो आपको रनिंग के दौरान एकदम बढ़िया रहता है, दिक्कत नहीं आएगी रनिंग के दौरान इसमें आपको एकदम बढ़िया कंटेंट। एंड शूज़ को ऊपर की ओर टर्न करके देखो तो मेरे ऊपर कैंपस का लोगो एंड लाइनिंग पैटर्न यूज़ किए गए हैं और टर्न करके देखें तो आप पीछे के कैंपस भी लिखा गया है। एंड नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं शूज़ की फिनिशिंग वगैरह एंड लाइनिंग डॉट इसकी तरह कुछ बात है। एंड एग्जैक्टली बात करते हैं शूज़ की, मेरे एकदम फिट बैठता है, इसमें कुछ मुझसे इशू नहीं है और ये शूज़ मैंने पहन के रखा है एकदम बढ़िया फिट बैठता है मेरे लिए। ये साइज़ मेरा 7 नंबर है और इसको एकदम फिट बैठता है। आपके साइज़ के हिसाब से ये शूज़ मंगेगा ताकि क्या एकदम फिट बैठे। एंड नेक्स्ट पॉइंट आप ले लेते हैं शूज़ की आप फिटिंग देख सकते हैं इसकी बढ़िया हो रही है एंड इसकी कलर की डिज़ाइन लुकिंग वो काफ़ी बढ़िया है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट ले लेते हैं शूज़ की डिज़ाइन का। तो डिज़ाइन के दौरान ये आपको बढ़िया लगेगा एंड फोल्डिंग की बात की जाए तो इसका फोल्डिंग काफ़ी बेस्ट है, आप रनिंग के दौरान ऐसे फोल्डिंग भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं है। आप पूरा कंटेंट घुमाकर मैं दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है ना। एंड बात कर लेते हैं शूज़ की जंपिंग की वगैरह। तो जंपिंग इस दौरान मुझे इसमें कोई इश्यू नहीं मिलता, ये जंपिंग के दौरान आपको एकदम कंफर्ट बना रहता है एंड इसका सॉफ्टनेस है वो काफ़ी बढ़िया है, आप कमेंट कर लेकर बता दीजिएगा। वैसे आपने फर्स्ट पहना हो तो ये सेम उसी तरह का शूज़ है। एंड नेक्स्ट पॉइंट शूज़ के ले लेते हैं इसकी कैटेगरी, मतलब पीछे की आपको लुकिंग देखने को मिलती है वो काफ़ी बढ़िया है। एंड बात करें तो शूज़ की एकदम मैं फोल्ड करके दिखाता हूँ आपको, इसमें मतलब फिजिकली वगैरह बहुत बढ़िया रहता है, पूरा फोल्ड हो रहा है, पीछे से थोड़ा हार्ड है लेकिन आगे से एकदम नॉर्मल है। सोल की बात करें एकदम लाइट वेट पूरा घूमता है एकदम, आपके रनिंग के दौरान इसमें कोई इश्यू प्रॉब्लम नहीं देखने को
मिलता है। एंड शूज़ की मटेरियल की बात की जाए तो मटेरियल काफ़ी बढ़िया है, डिज़ाइन में यूज़ किया गया है एंड दिखने को काफ़ी शूज़ बढ़िया है एंड कैटेगरी भी आपको पसंद आया होगा। तो बात करते हैं शूज़ की, एकदम मेरे फिट कैसे बैठता है। ये शूज़ एकदम मुझे एग्जैक्टली फिट पड़ता है एंड दिखने में काफ़ी बढ़िया है। एंड शूज़ की स्पंजिंग की बात की जाए, इसमें स्पंजिंग वही स्पंजिंग है जो छोटे छोटे दाने दाए उसे किए गए डॉट में, आप देख रहे रंग बिरंगे इसमें दाने दाए यूज़ किए गए ताकि आपको रनिंग के दौरान इसमें स्पंजिंग बनी रहे। एंड नेक्स्ट पॉइंट ले रहे हैं शूज़ की ऊपर की डिज़ाइन एंड इसका लुकिंग है वो काफ़ी बढ़िया है। एंड अब बात करते हैं एग्जैक्टली में शूज़ मुझे पड़ा कितने, ये पड़ेगा आपको 1500 रुपये में और मिलेगा 25% डिस्काउंट। इसका MRP है 1999 और आपको 25% डिस्काउंट। अब बात करते हैं एग्जैक्टली शूज़ आपको खरीदना कहाँ से, ये मिलेगा आपको रोहितपुर हाउस फ्रॉ की दुकान में या आप ऑनलाइन डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, से आपका परचेस कर लीजिएगा।